नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज पूर्णिमा के अवसर पर गोटे गांव के मुआर घाट में मां नर्मदा के भक्तों का पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन किया गया। ये परिक्रमा लगभग 14 किलोमीटर की होती है। परिक्रमा में क्या अनुभव रहा जानते हैं मां के भक्तों से। लाइव कर रहा है मुआर घाट से, जहां आज नर्मदा परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा की जा रही है। पूर्णिमा के अवसर पर लगभग लंबे टाइम से ये परिक्रमा की जा रही है। आज हमारे साथ में सैलू नेमा जी हैं, जो इस परिक्रमा में भंडारा घाट पर भंडारा करते हैं, श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। आज ये इनसे जानते हैं कि कितने किलोमीटर की है परिक्रमा, कैसे की जाती है परिक्रमा। 14 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है मुआर घाट से ब्रह्मकुंड घाट तक की, जिसमें ब्रह्मकुंड घाट जाते हैं, यहाँ मुआर घाट से पैदल जाते हैं हम लोग ब्रह्मकुंड घाट तक, और वहाँ से फिर नाव से वापस उस तरफ जाते हैं। उस तरफ के बाद सीधे मुआर घाट के उस तरफ आते हैं जबलपुर जिले में, उसके बाद नाव से उस तरफ आते हैं। सलिंगी, कितने तकरीबन कितने श्रद्धालु आते हैं इस परिक्रमा में, अपना हिस्सा बनते हैं इस परिक्रमा का। भैया उसको तकरीबन हमको 5 साल लगातार करते हो गए हैं। पहले तो 200-300 होते थे, फिर बढ़ के बिल्कुल 5 गुना बढ़ रही है। अगले साल जैसे हमारे यहाँ 3,500 आदमी हुआ था, लेकिन इस बार की तादाद में हमारे यहाँ 6,000-7,000 आदमी हुआ। अब देखते हो और भी श्रद्धालु हमारे साथ में आए हैं, इनसे और बात करते हैं कैसा लगता है पर माँ की परिक्रमा करने। क्या नाम है आपका? राजकुमारी कुमारी। कैसा लगा परिक्रमा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। कितने किलोमीटर की परिक्रमा थी आपकी? 15 किलोमीटर की रही। तो सारी परिक्रमा 15 किलोमीटर की परिक्रमा आप पैदल ही? हाँ, पैदल ही किए हैं और बहुत अच्छा लगा। तो आपके साथ में तो और कौन कौन है? पूरी फैमिली है, मिस्टर पीछे बच्चे लोग हैं। सारे बच्चों के साथ मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बच्चों को भी बताएं, ये सारे बच्चे देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट है। तुम भी जाओगे? कैसा लगा परिक्रमा करके? कितने कौन कौन है आपके साथ में? पूरी फैमिली है। अच्छा लगा परिक्रमा करके? देखिए सारे बच्चे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये बताती है कि माता अपने आप अपने बच्चों को कितनी शक्ति देती परिक्रमा में।